कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि भगवान रास करते हैं और जो अन्य लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वो रास का अर्थ गलत तरीके से करते हैं। ये जो रास का क्रम है, इसको समझने के लिए आपको एकाग्रचित होना चाहिए। जितने भी बच्चे यहां सुन रहे हैं अथवा आस्था के माध्यम से लाइव सुन रहे हैं अथवा यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, इन चीजों का प्रचार प्रसार भी आपको करना चाहिए कि रास वो नहीं जो बॉलीवुड वाले लोग हमें बताते हैं, रास वो है जो वृंदावन वाले लोग हमें बताते हैं। बॉलीवुड वाले लोगों ने एक कसम खा रखी है सनातन धर्म को तोड़ने की, मानिए मत मानिए बात सत्य है। प्रत्येक पल वो हमारी संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं, उनकी औकात नहीं है कि हमारे सिख भाइयों के ऊपर एक भी फिल्म बना दें, उनकी औकात नहीं है कि क्रिश्चियन भाइयों पर भी कोई एकाध फिल्म ऐसी बना दें, उनकी औकात नहीं है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर भी कोई एकाध ऐसी फिल्म बना दें, लेकिन वो फ्री हैं, इसी देश का खाते हैं और इसी देश की संस्कृति को वो नष्ट भ्रष्ट करने की कसम खा चुके हैं। आप किसी भी सीरियल में, किसी भी मूवी में संत महात्मा को देखो तो वो ढोंगी मिलेगा, वो मर्डर करने वाला मिलेगा, वो दुष्कर्म करने वाला मिलेगा संत महात्मा। और ब्राह्मण का अगर कोई उसमें अभिनय करेंगे वो, तो ब्राह्मण को लालची दिखाएंगे, झूठा दिखाएंगे, पाखंडी दिखाएंगे। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? है? क्यों दिखाएंगे भाई? तुम जानते हो ये संतों की भूमि है, ये भारत ऋषियों की भूमि है, और अपने बाप का अपमान करते हुए हमें शर्म नहीं आती? वो कहते हैं हमारी आजादी है, आजादी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैं तो कहूंगा ऑल बॉलीवुड का बॉयकॉट करना चाहिए, किसी भी संस्कृति को हमारे को ऐसे अपमान करने का अधिकार नहीं है। कोई भी सच्चा सनातनी जो भगवान को प्रेम करता है, इन फिल्म विलम और सीरियल विलम खत्म करो इनको, ये दर्पण नहीं दिखाते, ये प्लानिंग के साथ चलते हैं। हमको कोई बता रहा था दुबई से पैसा आता है ये फिल्म विलम बनाने वालों का। अब बताओ हम इतना खुल के बोल रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, पर आई डोंट केयर, क्योंकि हमारे सर पे प्रियाकांत जू का हाथ है, हमारे सर पे प्रियाकांत जू का हाथ है। और फिर एक जीवन कुर्बान हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? पर तुम लोग सोचो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। धीरे धीरे करके हमारे बच्चों को ये हमारी संस्कृति से नफरत करने वाला सिख बना देंगे। तुम्हारे घरों में मंदिर होंगे पर दीपक जलाने वाले बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारे शहरों में मंदिर होंगे लेकिन तुम्हारे बच्चे उन मंदिरों में जाने वाले नहीं होंगे, और ऐसे ऐसे बना देंगे कि बिना शादी किए हमारे बच्चे किसी के भी साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। मेरा दर्द व्यासपीठ से उभर रहा है, तो आप अपने घर में बैठकर भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि आप अपने बच्चों का कैसा भविष्य चाहते हो। ये भविष्य चाहते हो जहां उन्हें पता ही ना हो कौन सी दिशा कौन सी दशा हमारी होनी है? ये बॉलीवुड वाले मिलजुल कर षड्यंत्र कर रहे हैं हमारी संस्कृति के विरुद्ध। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें पक्का मालूम है हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे ऋषि मुनियों का उपास उड़ाया जाता है, और हम चुपचाप सह लेते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन के ऊपर जो हम लोग चुपचाप सह जाएं। कोई दुनिया में किसी भी धर्म को मानने वाला कोई गलत काम कर बैठे तो उसे कहते थे बाबा। बाबा का शब्द कहां से जुड़ा है? हैं? सनातन धर्म से जुड़ा है ना, हिंदू धर्म को बदनाम करो। खैर छोड़िए, मेरा मकसद है, मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना, अगर हो सके तो।
समझिएगा, अगर ना हो सके तो जैसे और बातों को भूल जाते हो, इसको भी भूल जाइएगा।